नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे YouTube चैनल में एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों हम फिर से हाजिर हो गए हैं। दोस्तों हर महिला को महीने में एक बार पीरियड की समस्या से जूझना पड़ता है। पीड़ादायक महामारी में निचले उदर में ऐंठन बड़ी पीड़ा होती है। किसी औरत को तेज दर्द हो सकता है जो आता है और जाता है, या मंद चुभने वाला दर्द हो सकता है। इनसे पीठ में दर्द हो सकता है। दर्द कई दिन पहले भी शुरू हो सकता है और महामारी के एकदम पहले भी हो सकता है। महामारी का रक्त स्त्राव कम होते ही सामान्यतः दोस्तों यह खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी महिलाओं को पीरियड्स के समय सावधानी बरतनी चाहिए दोस्तों। इसलिए डॉक्टरों के सलाह के अनुसार एवं आयुर्वेदिक विशेषज्ञों के सलाह के अनुसार महिलाओं को हफ्ते में कम से कम एक या दो दिन चना और गुड़ खाना बहुत ही फायदेमंद है दोस्तों। दोस्तों चना और गुड़ में कैल्शियम भरा रहता है, जो कैल्शियम जो हम महिलाओं की खून की कमी होती है उसको वह पूर्ति कर देता है। साथ ही महिलाओं को कम से कम 40 से 60 मिनट धूप में बैठकर तिल के लड्डू खाने चाहिए, जिससे महिलाओं की कैल्शियम की मात्रा काफ़ी ही पूर्ण हो जाती है। दोस्तों गुड़ जो रहता है, जिसे साधारण भाषा में मीठा भी बोलते हैं, वह आयरन का समृद्ध स्रोत है और चने में बड़ी मात्रा में प्रोटीन होता है। ये दोनों मिलकर महिलाओं की महामारी के दौरान होने वाले रक्त के स्त्राव में जो कमी होती है उसको ये पूरा करते हैं, भर देते हैं। रिसर्च से भी पता चलता है दोस्तों कि विटामिन डी की कमी होना आम बात है। विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए महिलाओं को धूप में कम से कम आधे घंटे हफ्ते में या दो हफ्ते में ज़रूर बैठना चाहिए। इससे उनके शरीर का जो धूप का प्रोटीन विटामिन डी की पूर्ति हो जाती है। धूप में बैठने के दौरान उनके शरीर का 40% हिस्सा जो है खुला होना चाहिए और ऐसा उन्हें कम से कम साल में करना ही चाहिए। अगर वे ऐसा नहीं कर सकते हैं तो उन्हें हर महीने विटामिन डी सैसे लेना चाहिए, जिसमें 60,000 यूनिट विटामिन D3 हो। तो उम्मीद है दोस्तों, उम्मीद है बहनों, आज की ये विशेषांक आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर हमें मोटिवेट करते रहे, जिससे समय समय पर हम ऐसे वीडियो लेकर आते रहे। धन्यवाद।